देखिए बिहार में तो बीजेपी ने शुरू कर दिया है बीजेपी ये कोशिश में है कि इसको ओबीसी वर्सेस ईबीसी बनाया जाए बीजेपी की कोशिश यह है कि ओबीसी में भी जो दो तीन जाति के लोग जिन्होंने आरक्षण का भरपूर लाभ लिया है और बाकी लोग लाभ लेने से वंचित रह गए हैं तो जो भी जातियाँ वंचित रह गए हैं उनको गोलबंद किया जा सके क्योंकि अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित कुर्मी हुआ है और संख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित यादव हुए हैं जिनको आरक्षण के बाद नौकरियाँ मिली तो अब बीजेपी के अंदर ये सोच चलने लगी है आपस में नेता लोग बात करने लगे हैं कि जब तक हम यादवों को टारगेट ना करेंगे और यादव से जो पीड़ित लोग हैं जो पीड़ित जातियां हैं जब तक वो हमारे साथ इकट्ठा नहीं होंगी तब तक हम बिहार की लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे हम ये खुल करके के कहेंगे कि हम भी इसके समर्थक हैं हम ये खुल करके कहेंगे कि हम भी आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई है उसका हम समर्थन करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आरक्षण पहले भी दिया गया था जितना भी पचास फीसदी था तो उसका फायदा यादव और कुर्मी को मिला आप लोग को क्या मिला आप लोग तो इससे वंचित रह गए तो इस शर्त पर इस आधार पर उन तमाम जातियों को गोलबंद करने की कोशिश की जाएगी और वैसे भी आप उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स को देखें तो पिछले कुछ सालों से एनटी यादव गोलबंदी की कोशिश है मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि विनोद तावड़े जो कि बिहार के प्रभारी हैं चार महीने पहले तकरीबन भागलपुर में उन्होंने ये बात कही थी कि आखिरकार हम क्यों नहीं यादवों को पर यादववाद जिस तरीके से बिहार में हुआ है और अब फिर से नीतीश कुमार भी यादव को ही सत्ता सौंपने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना अपनी विरासत तेजस्वी यादव को सौंपने की बात कही है तो हम यादवों को लेकर के क्यों नाम अपनी बात सामने रखें क्योंकि एक दूसरा काउंटर थॉट था, था कि बिहार में यादव भी कई जिलों में बीजेपी को वोट देते हैं अगर हम यादवों को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो यादव हमसे नाराज होंगे और मधुबनी से लेकर के सीमांचल तक जिस तरीके से यादव बीजेपी को वोट करते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है लेकिन अब जिस तरह की पॉलिटिक्स सामने आ रही है निश्चित तौर पर बीजेपी भी चाहेगी कि ईबीसी का पूरा साथ अपने पक्ष में रखा जाए क्योंकि नीतीश कुमार ने यह दाव चल करके क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने अति पिछड़ों का एक बड़ा समूह तैयार किया था और एनटी यादव गोलबंदी की थी 18 साल की पॉलिटिक्स में बिहार की पॉलिटिक्स में उन्होंने इस तरह का एक बड़ा वर्ग तैयार किया था जो यादवों के विरोध में नीतीश और बीजेपी को वोट किया करता था अब चूंकि नीतीश वापस लालू प्रसाद के खेमे में चले गए हैं और वहाँ से मैसेज ये निकल करके आ रहा है कि विरासत की राजनीति तेजस्वी संभालेंगे तो ऐसे में अन्य जातियाँ क्या करेंगी क्या ये आरक्षण बढ़ाए जाने के बाद नीतीश और लालू के पीछे हो जाएंगी या जिस तरीके से बीजेपी ने दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अति पिछड़े समाज से दिया था रेणु कुमारी और तारकेश्वर प्रसाद तो क्या बीजेपी की बातों में वहाँ पर अति पिछड़े भरोसा करेंगे या पिछड़े समाज में वो लोग जो आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं वो लोग बीजेपी पर भरोसा करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि फोकल पॉइंट ओबीसी ईबीसी ही होगा इसी को पकड़ने की कोशिश होगी इसी को साधने की कोशिश होगी बीजेपी भी यही करेगी क्योंकि एक बात आप मत भूलिए कि जब नीतीश कुमार माफ़ करिएगा जब अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे थे तो उससे पहले ओबीसी नेताओं की एक मीटिंग भी बीजेपी ने बुलाई थी और इस मीटिंग में पूछा गया था कि ओबीसी को साधने के लिए और क्या रणनीति बनाने की ज़रूरत है तो इस हिसाब से तेलंगाना में भी ये अनाउंस किया गया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी जीतती है तो ओबीसी ही चीफ मिनिस्टर होगा हरियाणा में ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 मंत्री हैं ओबीसी के तो यह भी बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने मंत्री मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज से हैं तो बीजेपी बिल्कुल ओबीसी की हितैषी पार्टी है ऐसा प्रोजेक्ट बीजेपी जोर शोर तरीके से करेगी और बीजेपी ये खुल करके कहेगी कि और की बात तो छोड़िए हमारे प्रधानमंत्री ही ओ हैं गृह मंत्री ही ओबीसी बी समाज से आते हैं तो जाहिर तौर पर इस तरह का जो आरोप बीजेपी पर लगाने की कोशिश राहुल गांधी कांग्रेस या उनके सहयोगी दल कर रहे हैं उस तथ्य में कोई दम नहीं है है। लेकिन फिर भी बीजेपी पर इसका दबाव तो रहेगा ही कि बिहार में जिस तरीके से जातीय सर्वे करा करके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये स्टैंड कर गया तो जाहिर तौर पर ये दबाव आप अन्य राज्यों में भी देखेंगे बिहार केंद्र सरकार पर भी देखेंगे अगर कोर्ट में ये स्टैंड नहीं कर पाया क्योंकि 50% परसेंट की कैपिंग है इंदिरा साहनी का जजमेंट है अगर ये स्टैंड नहीं करता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को एक निकलने का रास्ता मिल जाएगा और बीजेपी फिर जोर जोर से कहेगी कि हमने ओ के लिए जो एक कमीशन बनाया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इतने मंत्रियों को बनाया तो अंकित कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाली लड़ाई ओबीसी को लेकर के है हिंदुत्व की काट के लिए जातीय जनगणना की गई है और इस बात को अब नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में घूम करके बताएंगे इसमें लालू प्रसाद का पूरा साथ है लालू प्रसाद का इंटरेस्ट इस बात को लेकर के है कि राज्य की सत्ता तेजस्वी यादव संभालें और केंद्र की सत्ता संभालने के लिए राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करने नीतीश कुमार बाहर निकलें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर दोनों की का इंटरेस्ट मिलता है लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि राजनीति समय काल और परिस्थिति पर निर्भर करती है और उसके हिसाब से बहुत बदलती भी है